अस्सलाम वालेकुम, आदर बंगश अपनी 44th एपिसोड के साथ। और आज मैं आपको जैसे मैंने वादा किया था कि मैं 21 अल्टरनेट ऐप्स आपको बताऊंगा जो मैंने सॉर्ट आउट की हैं, जो कि मुतबादल हो सकती हैं और आप एज ए अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मैसेंजर और व्हाट्सएप के अलावा। और जो मेरी इसमें रिजर्वेशंस थी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी कि हम इस ऑनलाइन एज में और इसमें हमें कहीं ना कहीं हर जगह से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं हम अपनी आइडेंटिटी। बहरहाल फिर भी अगर आप देखना चाहें इन ऐप्स को आप टेस्ट कर सकते हैं। एक एक बात को आप पहले से जानते हैं और बात शायद आप ये नहीं हों और बाज हो सकता है क्योंकि कॉर्पोरेट इस्तेमाल के लिए बनाई गई हैं तो हो सकता है वो आपको ना पता हो, वो टीम लेवल पर आपको पता हो। तो चल देर नहीं करते, चलते हैं देखते हैं कि ये 21 ऐप्स कौन सी हैं जो आप एज ए अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्सएप के। चलें, अच्छा तो ये अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ जिस ऐप का नाम आपके सामने आ रहा है दैट इज़ सिग्नल। सिग्नल एक टीम कम्युनिकेशन ऐप है और एज अ सोशल टूल भी इस्तेमाल हो सकती है। इसमें यानी कि ये एक मेरा ख्याल है काफ़ी इसके बारे में अब बातचीत होना शुरू हो गई है और ये वीडियो वॉइस कॉल्स की सहूलत देती है। एंड्रॉयड, आईफोन और डेस्कटॉप सब के लिए ऐप इसकी मौजूद है और इसको आप आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन्स में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी प्राइवेसी लेवल और सिक्योरिटी लेवल कदरे बेहतर है और आप इसकी प्राइवेसी पढ़ भी सकते हैं जाके इसकी वेबसाइट पर, तो वो देख लीजिएगा। बेसिकली ये जो एक अच्छा अल्टरनेट हो सकता है आपका व्हाट्सएप के लिहाज से। इसके बाद एक और टीम कम्युनिकेशन ऐप आप ढूंढ सकते हैं डिस्कॉर्ड के नाम से, ये जो आपके सामने आ रही है। डिस्कॉर्ड बेसिकली टेक्स्ट एंड वॉइस चैट है और ज़्यादातर ये गेमर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी भी आपके पास विंडोज़ की, एंड्रॉयड की और मैक की और आईओएस की ऐप्स मौजूद हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी भी प्राइवेसी पॉलिसी मुझे बेहतर लगी है, आप इसको मज़ीद डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसमें आप अपना जो भी आपका अगर कॉर्पोरेट लेवल पे आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे और अगर आप सोशल लेवल पर भी इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है टॉक्स। टॉक्स बेसिकली इट्स अ सोशल टूल और सोशल टूल है। अब इसकी जो अगर हम देखें तो ये इट्स फ्री बेसिकली और इसी तरह एंड्रॉयड, मैक, ओएस, विंडोज, लिनक्स और फ्री बीएसडी इसमें इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनक्रिप्टेड है टोटली और सिक्योर सॉल्यूशन है फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन। इसमें आपके पास वॉइस वीडियो कम्युनिकेशन भी मौजूद है, फाइल शेयरिंग भी है और ग्रुप चैट भी है, सारा कुछ आपके पास अच्छा अवेलेबल है जो आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एलिमेंट है। एलिमेंट भी प्रोजेक्ट, ये बेसिकली ज़्यादातर प्रोजेक्ट मैनेजर यूज़ करते हैं अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन हम इसको किसी भी लेवल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमारे पास वेब, आईओएस, एंड्रॉयड, मैक, ओएस और विंडोज़ पर अवेलेबल है। इसमें ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन है और मेरे ख्याल मैट्रिक्स में क्रिएट हुई है और वीडियो कॉल्स भी हो जाती हैं, चैट भी हो जाती है, फाइल शेयरिंग भी हो जाती है और अगर आप इसको जूम के साथ भी मेरा ख्याल है कुछ कोई कम्बिनेशन के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी प्राइवेसी पॉलिसी भी बेहतर नज़र आती है। तो इसके बाद थ्रीमा है। थ्रीमा भी एक टीम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है और इसकी ऐप्स ही मौजूद हैं आईफोन के लिए और एंड्रॉयड फ़ोन के लिए और इसका जो इंटरफेस है वो तकरीबन व्हाट्सएप जैसा ही है
और इसमें भी आप इमेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस और जीपीएस लोकेशन वगैरह सारा अपना चैट बेस शेयर कर सकते हैं, और ये एक अच्छा ऑल्टरनेट हो सकता है आपकी आपकी व्हाट्सएप के लिए। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये बाज़ ऐप्स एरिया बेस्ड होती हैं, तो हो सकता है जो मैं ये ऐप्स आपको बता रहा हूँ ये आपके एरिया में ना चलती हो, या जैसे ये अब आपके सामने जो टेलीग्राम आ रही है, अब टेलीग्राम 2017 में पीडीए ने पाकिस्तान में बैन कर दी थी, सेंसर कर दी थी। अब उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि ये अब वहाँ पर डाउनलोड हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये जिस तरह सिग्नल है, इस तरह टेलीग्राम भी एक बहुत बड़ा वर्ड ऑफ माउथ है जो कि ऑल्टरनेटिव लिस्ट्स में बहुत तरफ से आ रहा है व्हाट्सएप के बाद, या व्हाट्सएप जो अगर हम छोड़ते हैं तो। और ये तकरीबन तमाम ओएस में, एंड्रॉयड ओएस, विंडोज़ और तमाम डेस्कटॉप लिनक्स वगैरह सब में के लिए ये अवेलेबल है। और इसमें आप अपना वीडियो चैट, अपना सारा जो फाइल शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग और वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये भी, इसका भी जो लेआउट है वो व्हाट्सएप जैसे ही है तकरीबन, और इसकी बल्कि ये कई लेवल पर जाकर ज़्यादा इन्हांस्ड सर्विसेज देता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप। तो इसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद स्काइप पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग सब जानते ही हैं, आप हर किस्म के ओएस पे डाउनलोडेबल है, एप्पल और एंड्रॉयड भी में भी इसकी ऐप्स मौजूद हैं, और इसके साथ भी आप आराम से, मेरा ख़्याल है ये इस्तेमाल होता ही है ज़्यादा जो लोग इसके आदि हैं, जो लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसके बाद गूगल का जो है टूल गूगल हैंगआउट, ये भी बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट लेवल पे भी इस्तेमाल होता है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह हो जाती है बड़े आराम से, और ग्रुप चैट है, और सारा कुछ बड़े इजीली हो जाता है। और गूगल हैंगआउट बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पर्सनल लेवल पर, कॉर्पोरेट लेवल पर, और तो इसको भी आप, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं किया वो इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वाइबर है, वाइबर से भी सब लोग वाकिफ हैं। वाइबर ने थोड़ा सा मार्केट लूज़ किया था व्हाट्सएप की वजह से, तो हो सकता है कि अब ये दोबारा टूल थोड़ा सा बबल अप हो और लोग इसकी तरफ वापस आएँ। तो इसके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छी तरह पहले से ही जानते हैं, और बड़ी कंपनी है आप। उसके बाद वी चैट भी एक टीम मैनेजमेंट, टीम कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा चैट प्लगइन है, चाइनीज़ है और सिक्योर है, और आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम ओएस में डाउनलोडेबल है, आईओएस में, एंड्रॉयड पर, विंडोज़ पर, मैक में, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है लाइन। लाइन अगेन इज़ अ कॉर्पोरेट टूल फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, तो आप इसको अगर अपनी कंपनी वगैरह में कॉर्पोरेट चैटिंग के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो अच्छा है। सोशली भी यूज़ किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इनक्रिप्शन लेवल अच्छा है, और पीसी पे भी चल जाता है बड़े आराम से, और आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है काकोआ टॉक, ये भी अच्छा है और लाइटर वेट चैट है, और यानी कि ये डॉक्यूमेंट सेंडिंग, वीडियो वगैरह के लिए, और तक अप टू 100 MB का डॉक्यूमेंट आप इसमें बड़ी आसानी से सेंड कर सकते हैं। तो ये भी अल्टरनेट अच्छा हो सकता है अगर जिन लोगों को सूट कर जाए, और जो लोग इससे ज़रा फेमिलियर हो जाएं, उनको इजी लगे, तो वो ये भी इस तरफ भी आ सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके अपने सारे, जिन लोगों से आपने कम्युनिकेशन करनी है वो सब लोग किस एक सॉफ्टवेयर पे, किसी एक ऐप पे, जिस पे मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि सोशली जो ज़्यादा एक्सेप्ट हो जाएगा, जिससे ज़्यादा हर किसी के मोबाइल में नज़र आना शुरू हो जाएगा, वो ही प्लगइन, वो सॉरी ऐप जो है आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, यूज़ होना शुरू हो जाएगा ज़्यादा। उसके बाद है वायर। वायर बहुत अच्छा टूल है, और इसकी इंक्रिप्शन बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, एंड टू एंड है,
और इसका जो लेआउट है बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है, और ये मेरा ख्याल है, मेरी अपनी ज़ाती राय है, बेस्ट है एज़ अल्टरनेटिव टू व्हाट्सएप अगर आप इसको इस्तेमाल करके देखें तो। इसमें वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और ये बेसिकली जो थे स्काइप के को फाउंडर हैं जेनस, उनका ही ये प्रोडक्ट है मेरा ख्याल है, तो इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद किक है, किक भी अच्छा है, इंक्रिप्शन इसकी अच्छी है और iOS और एंड्रॉयड पे सिर्फ अवेलेबल है, और इट्स बहुत अच्छी प्राइवेसी पॉलिसी इसकी बड़ी अच्छी है। और लेकिन किक के बारे में यह है कि थोड़ी सी इसकी बैड रेपुटेशन है अकॉर्डिंग टू द जो इसके बारे में ख़बरें और वो चीज़ें हुई कि बहुत सारे जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं ड्रग डीलिंग या इस किस्म के जो चीज़ें हैं उसमें ये इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी इसके बारे में पूरी फैल गई थी। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, आई डोंट नो कि ये आपके एरिया में इसको डाउनलोडेबल सेंसर तो नहीं हुई, तो वो आपको चेक करना होगा। उसके बाद कॉन्टॉक है, कॉन्टॉक भी सिर्फ एंड्रॉयड और iOS पे यानी कि एप्पल फ़ोन्स पे अवेलेबल है, तो ये सुपर सिक्योर है, यानी कि इसकी जो इंक्रिप्शन पॉलिसीज़ हैं बड़ी सख्त हैं और बहुत अच्छी हैं, इनको भी इसको भी आप चेक कर सकते हैं। और सिंपल चैट टूल है, अच्छा है, आप इसको चेक करके बताइएगा। उसके बाद नंबर 16 पर हमारे पास स्नैपचैट, आप ऑलरेडी इसको जानते हैं कि ये किस लेवल पे यूज़ होता है, यंगस्टर इसको बहुत पसंद करते हैं, और इसमें इसकी जो एक ग्राफिकल टूल्स हैं इसके साथ वो बहुत अच्छे हैं, और यंगस्टर्स में टीनेजर्स में ये बहुत मकबूल है, आप इसको मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसको तो इसका तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे यंग टीनेजर्स इसके बारे में मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं कि वो ये किस तरह अच्छे तरीके से यूज़ होते हैं। उसके बाद आई एम प्लस है, इसको काफ़ी लोग जानते होंगे जो पुराने इंटरनेट यूज़र्स हैं, ये बहुत पुरानी कंपनी है, और इसकी जो यानी कि ये अगर हम देखें तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्काइप, पिंटरेस्ट, टेलीग्राम और ट्विटर और इस तरह की तमाम कंपनियों के साथ ही ये आई और साथ साथ चल रही है, बड़ी कंसिस्टेंट है, और लोग जो इसके आदि हो जाते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, तो अच्छी कंपनी है। लेकिन ये सिर्फ iOS में मौजूद है, ये एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपको नहीं मिलेगी। तो इसके बाद वॉक्सर जो है इट्स अ पेड सर्विस बेसिकली, लेकिन सिक्योर है, और इट्स अ बेसिकली इसको अगर हम इस तरह कहें ना कि वॉकी टॉकी टाइप चीज़ है, यानी कि आप चैटिंग कर लेते हैं इसमें, वॉइस टॉक करते हैं, लेकिन ये वॉकी टॉकी चीज़ है, इसमें आप टेक्स्ट मैसेजेस भी जाते हैं, वॉइस टॉक में पुश टू टॉक है यानी कि वॉकी टॉकी है, और वॉइस मैसेंजर मौजूद है, और मेरा ख्याल इसकी जो अब आई डोंट नो कि ये अब पेड, मैंने चेक नहीं किया कि इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन इसका हो सकता है आपको 14 या 15 डेज का फ्री ट्रायल मिल जाए जिस पे आप इसको चेक कर सकें। उसके बाद स्लैक है, स्लैक टीम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ऐप, थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल की तरफ जाता है, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं कंपनी में विद इन द कंपनी कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करना चाहते हैं, चैट बेस करना चाहते हैं, वीडियो कॉल्स करना चाहते हैं, वॉइस करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए ये टूल्स बड़ा अच्छा है और वो इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हाई साइड, इसका भी नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा, ये इसको अगर मैं कहूँ कि इट इज़ अल्ट्रा सिक्योर टीम कोलाबोरेशन, ये यानी कि अगेन कॉर्पोरेट लेवल पर ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि इसकी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, और ये कम्युनिकेशन करती है, ज़्यादातर इस्तेमाल होती है कोलाबोरेशन एज ए कोलाबोरेशन सॉफ्टवेयर, जैसे
कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर मीन कि आप किसी कंपनी के अंदर या किसी ग्रुप आपस में कोलैबोरेट करते हैं किसी भी लेवल पे, वॉइस पे या टेक्स्ट पे या किसी चीज़ पे भी कर सकते हैं। तो इसमें यानी कि इसकी एक ही चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये यानी कि हर तरह के इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है जियो लोकेशन बेस्ड जो हो गई या जो एंटी स्पूफिंग एक जो और एंटी पिशिंग जो ये हैकिंग की टाइप्स हैं उनके अगेंस्ट ये इंतहाई सॉलिड है। तो ये ज़्यादातर कॉर्पोरेट लेवल पे इस्तेमाल होती है तमाम एप्पल और एंड्रॉयड के लिए इसकी और उबंटू 64-bit के लिए अवेलेबल है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। बस अब है वो है फोर्टनोस्टर, ये भी अच्छी सिक्योर ऐप है फॉर टीम कम्युनिकेशन एज अ थिंग। इसके बारे में मैं जो चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें जो इंक्रिप्शन है वो मिलिट्री लेवल है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन इसमें इम्प्लीमेंट की गई है क्योंकि ये बनाया ही कुछ सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स साइबर सिक्योरिटी वालों ने। तो इसलिए इसमें जब आप मैसेजिंग सेंडिंग और फाइल शेयरिंग वगैरह करते हैं वीडियो कॉल्स करते हैं तो इंतहाई सिक्योर है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है लेकिन ये भी ज़्यादातर कॉर्पोरेट लेवल पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अपने, ये भी यानी वेब पर भी है, iOS पे भी है, एंड्रॉयड पे भी है, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, तो इसको भी ज़रूर टेस्ट करें जी। तो ये ऐप्स थी, एक लिस्ट है ये जो आपको मदद करेगी, आप इनको एक एक करके डाउनलोड करके चेक कर लें। कुछ तो आपको पहले से पता ही होंगी जैसे स्काइप वगैरह है, तो ये तो आपको पता ही थी पहले भी, आप यूज़ करते ही होंगे। तो इसके अलावा दूसरी भी हो सकता है, आप कई लोगों को जो कि इन डेप्थ इंटरनेट वगैरह यूज़ करते रहते हैं उनको पता ही हो आपस में, कुछ कंपनी लेवल पे भी यूज़ कर रहे हो। बहरहाल ये एक 21 ऐप्स हैं जो कि मेरे लिहाज से ऑल्टरनेट हो सकती हैं व्हाट्सएप की, अगर आप उनको यूज़ करना चाहें तो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा एपिसोड, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।